students, today we are going to study chapter 2 from honeycomb. The chapter 2 name is the squirrel. The squirrel means गिलहरी. गिलहरी, आपने अपने घर के आसपास गिलहरी देखी होगी. आपके घर के आसपास भी गिलहरी होती है. आप अपने घर के जो भी आसपास पेड़ होंगे वहाँ देखा होगा आपने गिलहरी को, है ना. तो गिलहरी कैसी है? गिलहरी रन, द स्क्विरल रन हियर एंड देयर ऑल ओवर द ट्री. आपने पेड़ पे इधर उधर जाते हुए गिलहरी को देखा होगा. और बहुत नॉटी रहती है वो. आप उसके पास जाएंगे तो वो तुरंत दूसरी जगह चली जाएगी. ओके. और इसी तरीके से जब हम भी गिलहरी को देखते हैं तो हमें भी बहुत प्यारी सी लगती है. उसी तरीके से पोएट को भी वो बहुत अच्छी लगी होगी जो उन्होंने उसके ऊपर एक पोयम लिखी है. तो शैल वी स्टार्ट पोयम. अब हम रीड करते हैं पोयम, देखिएगा. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड ही वी रैन अराउंड हिज ट्री. He went the other way. Once again, I will read the poem. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if he ran around his tree, he went to the other way. यहाँ क्या हो रहा है? Poet कहते हैं कि जो wore means मेड, बनाना, बना हुआ है. ऐसा लगता है गिलहरी को देख के जो उसकी पूंछ है, देखिए आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना. उसकी पूंछ कैसी बनी हुई है, बिल्कुल लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क है उसमें. आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क जैसा बना हुआ है. तो वो क्या कह रहे हैं कि गिलहरी को देख के ऐसा लगता है कि उसके पास क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है, है ना. एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे. और उसकी बॉडी कैसे कलर की है? ग्रे कलर की है उसकी बॉडी में. आप देखिए स्ट्रिप्स दिख रहे हैं और ये धारी दिख रही है ग्रे कलर से उसके पूरे बॉडी में है. तो ऐसा लगता है जैसे उसने भूरे रंग का, ग्रे कलर मीन्स भूरे रंग का, उसने ओवर कोट पहन रखा है. एक पूरा ओवर कोट मीन्स गाउन के जैसा कपड़ा जो पूरे शरीर को ढकता है. तो उसने ऐसा लग रहा है जैसे एक भूरे रंग का पूरा ओवर कोट पहन रखा है. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट द नट. जो भी आप भी खाना खाने बैठते हैं तो आपका भी एक पर्टिकुलर पोस्चर रहता है. आप भी स्ट्रेट बैठ के फिर खाना खाते हैं तो आपको भी बोला जाता है. आप स्टडी करने बैठते हैं तो आपको बोला जाता है सिटिंग अप, राइट पोस्चर, सीधे बैठिए चेयर में, अपने पोस्चर को ठीक कीजिए, अपनी पीठ को सीधा करके बैठिए, आपको भी बोला जाता है. तो गिलहरी भी जब भी खाती है कैसे करती है, उसको नट्स खाना बहुत पसंद है गिलहरी को. तो आप जब भी वो खाने बैठती है तो वो कैसे बैठती है, पर्टिकुलर पोस्चर होता है उसका, उसकी बॉडी का कोई स्ट्रेट बैठ के कैसे खाती है, वो स्ट्रेट बैठकर खाती है और अपने हाथों में उस नट्स को या जो भी चीज़ें उसको खानी रहती है वो हाथों में उसको पकड़ लेती है दोनों हाथों से. और देखिए उसके हाथों में, यहाँ पे देखिए उसके हाथों में उसने ले लिया है नट्स को और उसको वो खा रही है. दैट इज़ He sat up straight to eat nuts. और जो भी गिलहरी है वो कैसे बैठ जाता है, स्ट्रेट बैठ के ही खाता है. वह सीधा खड़ा. और he liked to tease and play. उसको छेड़ना, खेलना बहुत पसंद है. Tease करना means आप किसी को बोल सकते हो चिढ़ाना, तंग करना या छेड़ना, है ना कभी. तो इसे हम कहते हैं tease करना. And play, गिलहरी को ये बहुत पसंद है. And if he ran around his tree, around means near, around means पास में जाना. जब हम गिलहरी जिस पेड़ में है और यदि वहाँ पर है तो हम यदि उसके पास जाते हैं तो he went the other way. वो क्या करती है, तुरंत दूसरी तरफ चली जाती है. Other way means opposite direction में चला जाता है. Okay? Again, once again, see the poem. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight
to eat a nut. He liked to tease and play. And if he ran around his tree, he went the other way. अब ये आपको पोएम समझ में आई होगी कि ऐसा लगता है कि जो पूंछ है स्क्वायरल की वो किस लिए बनी हुई है, क्वेश्चन मार्क, उसकी पूंछ से हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हमको दिखाई देता है। ही वोर, जैसे उसने क्वेश्चन मार्क पहन रखा, मतलब उसके पास क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है गिलहरी के पास। और उसने क्या पहना है, भूरे रंग का एक ओवर कोट डाल रखा है। और जो भी वो खा, गिलहरी खाता है, वो कैसे बैठता है, स्ट्रेट बैठता है। कैसे बैठता है, सिट स्ट्रेट, एकदम उसका पोस्चर, अपने हाथों में नट्स लेके वो स्ट्रेट बैठ के खाता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको किसी को चिढ़ाना और खेलना बहुत पसंद है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, यदि हम उसके पेड़ के पास जाते हैं तो वो अदर डायरेक्शन, दूसरी तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। तो इसके जो पोएट है उनका नाम क्या है, मिलरेट बोरस आर्मस्ट्रॉन्ग, ये उनके पोएट का नाम है जो आपको याद रखना है। और आप इस पोएम को भी लर्न करेंगे और याद करेंगे, हियर इज सम वर्ड मीनिंग फॉर यू, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी एंड यू हैव टू रीड दिस वर्ड मीनिंग ऑल्सो। वोर मीन्स मेड है, बनाया है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है जैसे बताया मैंने, अराउंड मीन्स पास में, स्ट्रेट मीन्स सीधा, अदर वे अपोजिट डायरेक्शन में जाना, दूसरी दिशा में चले जाता है। क्वेश्चन मार्क आप प्रश्न चिन्ह देखते हैं, दैट इज। तो आई यू हैव टू रीड दिस पोएम वंस अगेन, आई विल से द समरी ऑफ दिस पोएम, मैं आपको एक समरी बता देती हूँ इस पोएम का। द पोएट सॉ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट्स, इट्स टेल वॉज रेज्ड अपवर्ड्स विद द टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, थस द टेल सीम टू बी मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क, इट हैड अ ग्रे कोट, इट वॉज सो लूज दैट द पोएट कॉल्स इट एन ओवर कोट। Overcoat. In order to eat a nut, it was sitting straight. The squirrel is a funny little animal that likes to play with human beings. If human beings ran down his tree, the squirrel would not be frightened. He would like to tease and play. To do so, it would also run round the tree. बट ऑल्सो अपोजिट साइड। मैंने वही बताया आपको कि पोएट क्या कहते हैं, इसमें इसका शॉर्ट समरी है कि इस पोएट ने स्क्विरल को देखा, पेड़ पर बैठा हुआ देखा, वो क्या खा रहा था, नट्स खा रहा था, और उसकी टेल्स जो थी वो ऊपर की तरफ उठी हुई थी, और उसका जो टिप पॉइंट है वो एक डाउनवर्ड था, मीन्स वो कैसा दिख रहा था, क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा था। और उसका जो पूरा बॉडी है, दैट इज़ अ ग्रे कलर की बॉडी है उसकी, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक भूरे रंग का ओवरकोट पहन रखा है। इन ऑर्डर टू, और जब वो नट खाता है तो वो कैसा बॉस का पोस्चर होता है, बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट होता है, वो स्ट्रेट बैठ के खाता है। स्क्वायरल इज़ अ फनी लिटिल एनिमल दैट मेक्स, और जो वो बहुत फनी है, उसको लोगों को टीज करना, उनके साथ खेलना बहुत पसंद है। और जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या करता है, उसकी अपोजिट दिशा में चला जाता है। ओके दोस्तों, आप इस पोएम को पढ़िए और याद कीजिए।